हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति, आज आप लोगों को उन फूलों वाले प्लांट के बारे में बताऊंगी जिनको आप अगस्त से सितंबर तक लगा सकते हैं। नंबर एक पे ये कनेर का प्लांट है। इसके ऊपर पिंक कलर के बहुत ही प्यारे से फूल खिलते हैं। इस प्लांट को आप अगस्त के सितंबर तक बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और यह प्लांट बारहमासी फूल देता है और यह मार्केट से आपको 80 से 90 रुपए में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। नंबर दो पे ये चंपा का प्लांट, इसको फुलमेरिया भी बोलते हैं और यह प्लांट में वाइट कलर के फूल निकलते हैं। इस प्लांट को आप अगस्त से सितंबर के महीने में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इस प्लांट पर वाइट कलर के फूल निकलते हैं और इसी के और एक वैरायटी और होती है जिस पर पिंक कलर के फूल निकलते हैं और मार्केट में यह प्लांट आपको 100 रुपये के अंदर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इस प्लांट को आप इस महीने में ग्रो कर सकते हैं। नंबर तीन पे ये है बुश फायर का प्लांट। ये इसमें भी बहुत ही प्यारे से फूल खिलते हैं और फ्रेंड ये प्लांट आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। यह प्लांट आपको 40 से 50 रुपए के अंदर मिल जाएगा और यह प्लांट आपके गार्डन में बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो इसके ऊपर बहुत प्यारे से ये फ्लावर्स खिलते हैं और दूसरा नंबर ये आपके गार्डन में पोलिनेटर को आकर्षित करता है जो कि हमारे गार्डन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नंबर चार पे ये जेड्रोपा का प्लांट है। इस प्लांट को भी आप अगस्त से सितंबर के महीने में अपने गार्डन में लाके लगा सकते हैं और देखिए इसके ऊपर ये छोटे छोटे से बहुत ही प्यारे से फूल खिलते हैं। यह भी पूरा साल हमारे गार्डन में फूल देता है। यह प्लांट भी आपको बहुत ही अच्छे प्राइस पे मार्केट में मिल जाएगा। यह प्लांट जो है 60 से 70 रुपए के अंदर मिल जाता है और ये प्लांट भी इस टाइम बहुत ही अच्छा है, आप लगा सकते हो अपने गार्डन में और इसके ऊपर ये फूल खिले हुए बहुत ही शानदार लगते हैं। और ये है नाग चंपा का प्लांट, ये भी बारहमासी फूल देता है और इसको नाग चंपा का प्लांट इसलिए बोलते हैं, इसके जो लीव्स होते हैं ये देखिए ये बिल्कुल सांप की तरह ही बने होते हैं और इस प्लांट के ऊपर वाइट कलर के फूल आते हैं। मैं शाम के समय वीडियो बना रही हूँ तो इस टाइम फूल झड़ जाते हैं और यह प्लांट भी आपको 100 रुपए के अंदर अंदर मिल जाएगा और इस प्लांट को आप इस टाइम भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। यह प्लांट भी आपके गार्डन में फूल देने वाला एक बहुत ही बेस्ट प्लांट है। इसको आप इन महीनों में अगस्त और सितंबर के महीने में अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये मिली फोर्बिया का प्लांट है, इसमें भी बारहमासी फूल खिलते हैं। इस प्लांट को भी आप बहुत ही आसानी से
ग्रो कर सकते हैं अगस्त से लेकर सितंबर तक। इसमें भी कई कलर आते हैं, ये देखिए रेड कलर में आता है ये, और क्रीम कलर में भी आता है और पीले रंग में भी आता है। इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। ये गोफरीना का फूलों वाला प्लांट है, ये देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। इसमें भी 12 महीने फूल खिलते हैं। आप इस टाइम इसको अपने गार्डन में लगा दीजिए और यह प्लांट बहुत ही कम प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाएगा। यह प्लांट 20 रुपये से लेकर 30 रुपये के अंदर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और फ्रेंड, इस प्लांट को आप एक बार अपने गार्डन में लेकर आएंगे तो जब इसके ये फूल सूख जाते हैं तो इसी से इसके सीड्स आप तैयार कर दोबारा से कई प्लांट बना सकते हैं। ये देखिए इस टाइम ये इतना फूलों से भरा हुआ है कि नीचे की तरफ ये एकदम से झुक गया है फूलों की वजह से। ये देखिए ये अंडेनियम का प्लांट है। ये भी प्लांट आप अगस्त से लेकर सितंबर तक अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इस प्लांट के ऊपर भी बहुत ही प्यारे से फूल खिलते हैं और अडेनियम कई कलर के फ्लावर्स के प्लांट होते हैं। और यह प्लांट आपको 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक, 80 रुपये तक, जिस भी आप प्राइस पे जैसा लेना चाहते हैं ये मिल जाता है। और यह प्लांट कटिंग से भी लग जाता है। इस प्लांट को आप इन महीनों में अगस्त और सितंबर के अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। और ये है गुड़हल का प्लांट। रेड गुड़हल हो, वाइट गुड़हल हो, कोई भी गुड़हल का प्लांट हो, आप इनको अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करिए। यह प्लांट आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और आप इनको मार्केट से भी खरीद कर लगा सकते हैं। इनमें देखिए बहुत ही प्यारे से वाइट फूल कल खिलेंगे और मेरे प्लांट में रोज़ फूल खिलते हैं जो पूजा के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और हमारे गार्डन में हमेशा बने रहेंगे। ये देखिए ये है पिंक गुड़हल। मेरे पास रेड गुड़हल, पिंक गुड़हल और वाइट गुड़हल के प्लांट हैं। यह प्लांट मैंने पिछले साल लिया था, जो देखिए रोज़ इसमें फूल खिलते हैं और ये देखिए इस टाइम फूल गिरकर झड़ गए हैं। सुबह के टाइम इसमें खूब सारे फूल खिलते हैं। यह प्लांट भी आप अगस्त से सितंबर तक अपने गार्डन में लगा सकते हैं। आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।